हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आइए आज की वीडियो में हम करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर पाई बाई टू साइन की पावर फोर एक्स अपान में साइन की पावर फोर एक्स प्लस कॉस की पावर फोर एक्स इंटू डी एक्स का समाकलन। तो सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, जीरो से लेकर ए एफ एक्स इंटू डी एक्स होता है जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यह प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो आइए देखिए हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है। आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू साइन पाई बाई टू माइनस एक्स पूरे पावर फोर अपॉन साइन पाई बाई टू माइनस एक्स पूरे पावर फोर प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स पूरे पावर फोर इंटू डी एक्स। तो हम जानते हैं साइन पाई बाई टू माइनस एक्स हमारा होता है कॉस एक्स, और कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स होता है हमारा साइन एक्स। तो देखिए इस प्रकार से हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन, आई इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू साइन पाई माइनस एक्स के स्थान पर हमारा हो जाएगा कॉस एक्स की पावर फोर, यहाँ पर हो जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस एक्स का हो जाएगा हमारा कॉस एक्स, कॉस एक्स की पावर फोर प्लस यहाँ पर कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा हमारा साइन एक्स, साइन एक्स पावर फोर इंटू डी एक्स। इस दिए गए इंटीग्रेशन को हम इक्वेशन वन मान लेते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू कॉस की पावर फोर एक्स अपान में यहाँ पर कॉस की पावर फोर एक्स प्लस साइन की पावर फोर एक्स इंटू डी एक्स। इस इंटीग्रेशन को हम सेकंड मान लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा टू आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू कॉस फोर एक्स अपॉन कॉस के पावर फोर एक्स प्लस साइन के पावर फोर एक्स प्लस फर्स्ट से हो जाएगा हमारा साइन के पावर फोर एक्स अपॉन में साइन के पावर फोर एक्स प्लस कॉस के पावर फोर एक्स और इस पूरे का समाकलन। तो टू आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू, यह हमारा यहाँ पर एलसीएम दोनों का समान है तो यह ऊपर का अंश जो है जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा कॉस की पावर फोर एक्स प्लस साइन की पावर फोर एक्स अपान कॉस की पावर फोर एक्स प्लस साइन की पावर फोर एक्स इंटू डी एक्स, ऊपर से नीचे वाला यह कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारा यहाँ पर बचेगा टू आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू इंटू डी एक्स। टू आई इज इक्वल टू हम जानते हैं हमारा यहाँ पर कुछ नहीं है तो वन हम मान सकते हैं अपने से वन इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे हमारा डी एक्स का समाकलन हो जाएगा एक्स लिमिट जीरो से पाई बाई टू। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा टू आई इज इक्वल टू पहले रखेंगे हम उच्चतम सीमा, उच्चतम सीमा है हमारा पाई बाई टू, पाई बाई टू फिर न्यूनतम सीमा माइनस जीरो, तो यह माइनस जीरो हो गया, यहाँ से हमारा बचा टू आई इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा पाई बाई